सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट्स है और इन सारे पार्ट्स को हमने अलग अलग वीडियो में सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन दिए, ये हो जाएंगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएंगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमें इन पेयर ऑफ इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट वाली टर्म है 4 अपॉन x, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अपॉन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन x। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों भी इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है वो हमें फ्रैक्शन में दी है। तो यहाँ पर हम 1 अपॉन x को लेट कर लेंगे, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू a। यहाँ पर हम 1 अपॉन x को a लेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4a + 3y इज इक्वल टू 14। यहाँ पर हमने 1 अपॉन x की वैल्यू a पुट कर ली है, तो ये आ जाएगा 4a + 3y इज इक्वल टू 14। ये हो जाएंगी हमारी थर्ड इक्वेशन। और सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन आ जाएंगी 3a - 4y इज इक्वल टू 23। ये हो जाएंगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने इन पेयर ऑफ इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया है। तो अब हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से a या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उस a या y की वैल्यू को हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन में से a या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर हमारी थर्ड इक्वेशन है 4a + 3y इज इक्वल टू 14। तो इस इक्वेशन में से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 14, यहाँ पर प्लस 3y, इसे हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा -3y। यहाँ पर 4 into a है, इसे हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 - 3y / 4। तो a की वैल्यू आ गई है 14 - 3y / 4। तो हम इस a की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों भी इक्वेशन लिख ली है और हमारी a की वैल्यू आ गई थी 14 - 3y / 4। तो इस a की वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में पुट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। तो ये आ जाएगा 3 into, यहाँ पर हम a की जगह पर पुट कर लेंगे 14 - 3y / 4 -4y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पर 3 into 14 आ जाएगा 42 -3 into 3 आ जाएगा 9 और ये y एज इट इज अपॉन 4 -4y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पर 4y के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ पर 42 - 9y एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 है और यहाँ पर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसके न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 आ जाएगा 16। तो ये आ जाएगा -16y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पर हम इस 4 को इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 23 into 4। यहाँ पर इस 4 को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड में था, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 42 - यहाँ पर -9y और -16y, ये माइनस प्लस हो जाएगा पर यहाँ पर साइन माइनस का रहेगा, तो ये आ जाएगा 42 - 25y, यहाँ पर 16 + 9 आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 23 into 4 आ जाएगा 92। तो यहाँ पर हम इस 42 को इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आ जाएगा -25y इज इक्वल टू 92 - 42। तो ये आ जाएगा -25y इज इक्वल टू 92 - 42 आ जाएगा 50। इस -25 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 50 अपॉन -25।
तो ये आ जाएगा 25 वन ज़ा 25 और 25 टू ज़ा 50। तो y की वैल्यू आ जाएंगी y इज इक्वल टू माइनस टू, ये माइनस का साइन एज इट इज़ और ये 2, तो ये आ जाएगा माइनस टू। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई है माइनस टू। इस y की वैल्यू को हम थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएंगी। तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई थी y इज इक्वल टू माइनस टू। तो इस y की वैल्यू को हम थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो इस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हमारी थर्ड इक्वेशन है 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हम y की जगह पर पुट कर लेंगे माइनस टू, तो यह आ जाएगा 4a प्लस 3 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू 14। तो यह आ जाएगा 4a 3 इंटू माइनस टू आ जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 14। तो इस 6 को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो यह आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 14। यहाँ पर माइनस 6 है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6, तो यह आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 14 प्लस 6 आ जाएगा 20। इस 4 को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 4 इंटू है, यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा a इज इक्वल टू 20 अपॉन 4। तो यह आ जाएगा 4 वन ज़ा 4 और 4 फाइव ज़ा 20। तो a की वैल्यू आ जाएंगी a इज इक्वल टू 5। यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएंगी 5 और y की वैल्यू आ जाएंगी माइनस 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू आ गई है माइनस 2। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना था, तो 1 अपॉन x को हमने लेट कर लिया था a, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू, a की वैल्यू आ गई है 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 अपॉन 1। यहाँ पर 5 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा 1। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 5 अपॉन 1 का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है माइनस 2 और x की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 5। तो हमें यही फाइंड करना था। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे।